नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। आज हम आम जनता के बीच पहुंचे हैं आम जनता के विचार जानने के लिए कि बाबा राम रहीम जी की इस समय समाज को कितनी ज़्यादा जरूरत है। डायरेक्ट लोगों से चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नीरज इंसा है, ब्लॉक ऋषिकेश से हैं जी। सर आप हमें ये बताइए कि बाबा राम रहीम जी ने देश के लिए, समाज के लिए क्या कुछ किया है? बाबा राम रहीम जी ने देश के लिए अनेकों कार्य किए हैं। जो 134 भलाई कार्य चल रहे हैं, जैसे वेश्याओं को अपनी बेटी बनाया, पौधारोहण, अपने समाज के सुधारने के लिए अनेकों और कई प्रकार के कार्य किए हैं जी। बाबा राम रहीम जी की इस समय समाज को कितनी ज़्यादा जरूरत है? बाबा राम रहीम जी की इस समय जो है जी, हर जगह ज़रूरत है। जो नशा मेन, तो जो नशे की बात है वो समाज में जो है युवा पीढ़ी जो है बढ़ चढ़ के कर रही है। और जो गुरु जी ने, हमारे पिताजी ने जो नाम दान दे के लोगों को इस नशे मुक्ति अभियान चलाया है जी, उसकी वजह से भी काफ़ी अब जो नशे के लिए जो है लोग बाग आगे आ रहे हैं। और जब नाम देते थे, जो गुरु जी ने अपनी पिक्चरें बनाई हैं उसमें भी जो है अपने नशा मुक्ति के लिए काफ़ी सीन ऐसे हैं जो दिखाए गए थे जी। अपने जो है गुरु मंत्र दे के और अपनी जो सेवाओं में सभी साध संगत को बताते थे ये अपने कार्य करने हैं। हमने जैसे सफाई अभियान हुआ, पानी की सेवाएं चल रही हैं लगा जगह जगह जो है गर्मी के मौसम को देखते हुए। ऐसे ही अपने ब्लॉक ऋषिकेश में 45 दिन से लगातार अपने ब्लॉक में सेवा चल रही है जी, और अनेकों ब्लॉकों में बढ़ चढ़ के पानी की सेवाएं भी चल रही हैं जी। करोड़ों लोगों का है जी, 5-6 करोड़ लोगों का जो है नशा छुड़वा दिया है बाबा जी ने। और आगे भी जो है आने के बाद यही कार्य करने हैं जी। जो रुके हुए कार्य हैं वो आने के बाद जो है वो कार्य करने ही हैं जी, पूरे जो थोड़े रुके हुए कार्य हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं बाबा राम रहीम जी से जुड़ने के बाद? मैं तो जी जब 10 साल का था, शाह सतनाम सिंह जी महाराज से मैंने गुरु मंत्र लिया था और तब से इसी सच्ची राह पे लगे हुए हैं जी। और मैं तो अपने ही जीवन के बारे में कहूँगा कि मैं जो है इतने 40-45 साल के लगभग हो गया हूँ, और तब से जो है मेरे अंदर कोई नशा नहीं है, ना गुटखा, ना शराब, ना बीड़ी, सब चीज़ों से दूर हैं बाबा जी से नामदान लेने के बाद। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो अपने साथी यार दोस्त हैं उन्हें भी जो अपने बच्चों को इसी लाइन पे लगाएं और सच्ची राह पे चलाएं जी। बाबा राम रहीम जी सत्संगों में किस तरह की शिक्षा देते थे, क्या प्रेरणा दी जाती थी? यही सच्चाई की प्रेरणा दी जाती थी जी। किसी गरीब को अपना दवाई दिलाओ, लाचार है कोई खाना खिलाओ, अपने जो है किसी के घर में राशन नहीं है राशन दिलाओ, जो कोई अस्पताल में बीमार है उसे ब्लड दान दो, इस तरह की अपने पिताजी ने मुहिम चलाई हुई है जी और आगे भी बढ़ चढ़ कर चली रही हैं जी। अंत में आप हमारे माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा राम रहीम जी और डेरा सच्चा सौदा के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, जो साध संगत अपनी जुड़ी हुई है, जो किसी वजह से नहीं आ पा रही हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर आएँ और आकर एक बारी देखें तो सही कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कार्य झुके तू चल रहे हैं और पिताजी भी यहीं जगह जगह जामुन में और पेड़ में लंगर में हर चीज़ में दर्शन दे रहे हैं। जिसका टूट विश्वास है उसे घर बैठे भी दर्शन दे रहे हैं जी।